जय माँ वैष्णो। प्रिय भक्तजनों, माँ वैष्णो बग्गा कुठेड़ वाली के आदेश अनुसार और असीम कृपा से एसएमसी कंपनी माँ के चरणों में माँ की सच्ची कहानी की एक और प्रस्तुति करने जा रही है, जय माँ बग्गा कुठेड़ वाली। प्रिय भक्तजनों, माँ के प्रिय भक्त श्री महेंद्र कुमार जी, जिनकी भक्ति वह सच्ची निष्ठा से खुश होकर माँ वैष्णो देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन देके अपनी शरण में ले लिया। महेंद्र कुमार जी के माता पिता चंबा भरमौर मार्ग पर छतराड़ी इलाका के गांव खालन कूर में रहते थे। परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो भेड़ बकरियां चराते और लकड़ी का चरान करते थे। अपने इसी काम की वजह से उन्हें हर साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। भक्तजनों, इसी प्रकार जब एक साल वो ज्वाली नामक स्थान के खब्बल गांव में आए और यहां रहने लगे तो उनके घर एक होनहार व चमत्कारी बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने महेंद्र कुमार रखा। पिता श्री घनिया राम व माता श्रीमती जीनू देवी के चार पुत्रियों व तीन पुत्रों में महेंद्र कुमार जी का व्यवहार सबसे अलग था। वो बचपन से ही माँ वैष्णो देवी की भक्ति में लीन रहते थे। परिवार की लाख कठिनाइयों के बावजूद भी श्री महेंद्र कुमार जी ने कठिन मेहनत करके अलग अलग स्थानों पर रहते हुए भी अपनी शिक्षा व दीक्षा पूरी की। इसी बीच उनका परिवार 32 मील से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बग्गा कुठेड़ पुरुंगबा में रहने के लिए आया और हमेशा के लिए यहीं पर बस गया। भक्तजनों, बचपन से ही श्री महेंद्र कुमार जी को माँ वैष्णो देवी जी का प्रवेश और चौकी आने लगी थी। धीरे धीरे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने माता पिताजी की सेवा और उनका हाथ बटाने के लिए श्री महेंद्र कुमार जी ने भाली नामक स्थान पर ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसी बीच वो अपने घर पर माँ वैष्णो देवी का गुणगान और कीर्तन हर रोज करने लगे। धीरे धीरे आसपास के लोग भी माँ के कीर्तन में शामिल होने लगे। प्रिय भक्तजनों, एक दिन उनकी भक्ति व मधुर कीर्तन से प्रसन्न होकर माँ ने चमत्कार किया और मंगलवार के दिन घोर आंधी चलने लगी। श्री महेंद्र कुमार जी मकान गिरने के डर से घर से बाहर जंगल में भागने लगे तो माँ वैष्णो देवी जी ने साक्षात कन्या के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तेरे घर में पिंडी रूप में प्रकट होकर अपनी शक्ति से तेरे माध्यम से लाखों भक्तों के कष्ट दूर करूंगी और जो भी भक्त जन यहां आकर सच्चे मन से अपना शीश निवाएंगे, मेरी कृपा उन भक्तों पर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। श्री महेंद्र कुमार जी ने उस कन्या की बात मान ली और जब वापिस अपने घर में आके देखा तो माँ वैष्णो देवी तीन पिंडियों के रूप में प्रकट हो चुकी थी। तब से ही श्री महेंद्र कुमार जी ने माँ की अखंड ज्योत प्रचंड करके माँ के चरणों में अपनी लगन लगा ली। आज लोग दूर दूर से आकर इस पावन स्थान पर माँ वैष्णो देवी जी के चरणों में शीश निवाते हैं और अपने सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए हम भी माँ का गुणगान करते हुए माँ के पिंडी रूप के दर्शन करके माँ की
इस अखंड ज्योति से आशीर्वाद प्राप्त करें।